आपने बोला कि हम मुँह फट हैं, तो हम तो ऑलरेडी कहिए से फटे हैं। तो दोनों लड्डू अगर हाथ में मिल जाए तो दोनों हाथ से खा लेते हैं। बस और क्या। पक्के भोजपुरी हीरो वाली बात की है इन्होंने, पक्का भोजपुरी हीरो वाली बात। जलने वाले जलते रहे, जलाना हमारा काम है, जला के राख कर देंगे, यामिनी सिंह हमारा नाम है। बात करें आप और समर जी की जोड़ी किंग फाइटर किंग में आ रही है, क्या कहना चाहेंगे आज इस फिल्म का भव्य मुहूर्त हुआ? फाइटर किंग मतलब मुझे जिस तरह से स्क्रिप्ट बताई गई है काफ़ी अच्छी लगी, मुझे टाइटल भी काफ़ी अच्छा है। और समर जी के साथ हमने दोनों ने साथ में एक फिल्म की थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुई रिलीज़, या क्या हो रहा है पता नहीं मुझे उस फिल्म का। बट हाँ, फाइनली हम इस फिल्म के थ्रू आ रहे हैं, और हमने एक और भी फिल्म की है, बट एक दूसरे के अपोजिट नहीं थे हम, अभी हम एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। तो आई होप कि डायरेक्टर सर हमारा जो भी केमिस्ट्री है, जो भी फिल्म की कॉन्सेप्ट है, उसके अकॉर्डिंग हमें अच्छा सा शो कर पाए ऑडियंस को। और समर जी काफ़ी अच्छे इंसान हैं, मैं तो पहली दूसरी बार तो मिल नहीं रही हूँ, मैं मिली हूँ इनसे काफ़ी बार, काफ़ी अच्छे इंसान हैं और औरतों की बड़ी इज्जत करते हैं, खासकर मेरी इज्जत बहुत करते हैं। तो बस मैं भी यही कहूँगी समर जी को कि एक दोस्त के नाते कि आप भगवान करे आप बहुत आगे बढ़े, बहुत तरक्की करें, आप गाने गाएँ और देसी क्या आप बड़े सुपरस्टार बन जाएँ जल्द से जल्द, कि आप हम लोग को भी पहचानने से मना कर दें। लेकिन जो कि होगा नहीं, फिर भी मतलब हमें नहीं पहचानने से मना करेंगे, समर जी इतने बुरे नहीं हैं। तो बस यही दुआ रहेगी आपके साथ, और कभी भी यामिनी हमेशा मैं लोग वक्त के साथ सीढ़ी चढ़ जाते हैं और पीछे वाले भूल जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ बढ़ते हैं और जो पुराने लोग होते हैं उनको साथ लेके चलते हैं। तो यहाँ पुराने लोग को साथ लेके चलने वाली टीम मतलब रिश्ता वो दूसरा है, दूसरे किस्म का। हम चाहते हैं एक रिश्ता बने, कहीं स्वार्थ ना हो, कहीं ये ना हो, कहीं वो ना हो, हमेशा पारदर्शिता हो, हमेशा एक निस्वार्थ भाव। इसके पहले भी हम लोग संजीव सर के डायरेक्शन में काम किए थे, लव लेटर फिल्म का नाम था। तो हम लोग चाहते हैं कि नहीं, जितने लोग जुड़े हैं अपने से हमेशा जुड़े रहें, कुछ ऐसा हम लोगों से ना हो कि जिससे कोई अलग हो, इधर गलत हो जाए। तो हम हमेशा चाहते हैं कि झुकना सीखिए, झुके रहेंगे। मैंने तो भी यही फील किया है इस इंडस्ट्री में, यही एक सोच लेके आई हुई होता है ना, इंसान जो इंसान उसूलों से चलता है उसे कभी कोई हरा नहीं सकता, खुदा भी नहीं। तो बस उसूल के साथ चलती हूँ, तो मेरा भी उसूल एक लेके आई थी इंडस्ट्री में कि जितना हो सकेगा यामिनी सिंह लोगों के जितने काम आ पाएंगी उतने काम आएंगी। अब आपके ऊपर है, आप कितना फ़ायदा उठा सकते हैं हमारा। सर डायरेक्टर सर हैं हमारे, देखिए क्या करते हैं। सर समर जी बात करें, इसमें एक तरफ यामिनी जी हैं, एक तरफ आकांक्षा दुबे जी हैं, तो फिल्म के अंदर तो किसकी तरफ आपका प्यार ज़्यादा झुकेगा, या किसको आप ज़्यादा अपने करीब रखेंगे, किसको दूर रखेंगे? प्यारे हमारे दोनों लोग हैं, हम बोली देखिए तो प्यारे हमारे लिए दोनों लोग हैं। अब वो कहानी में क्या, इनको दोनों हाथ में लड्डू चाहिए, मोहब्बत हम कह रहे हैं इनको। तो भाई वाली बात इन्होंने कर दी, थोड़ी डिप्लोमेटिक हो गए, लेकिन ये नहीं समझ रहे कि हम बड़े मुंहफट किस्म के इंसान हैं, ऑन कैमरा बोल देंगे। कहानी की डिमांड दूसरी चीज हो गई कि कहानी में आपका क्या किरदार है, एक अलग चीज हो गई। लेकिन समर जी को दोनों हाथ में लड्डू चाहिए। नहीं नहीं, देखिए क्या होता है कि काम नहीं होगा समर जी का। आपने बोला कि हम मुफट हैं, तो हम तो ऑलरेडी कहिए से फटे हैं। दिखते नहीं, हम कुछ भी बोलते हैं डायलॉग में वैसे ही, और हम लोग अच्छा करेंगे सब लोग मिलके, और ये फिल्म महादेव करेंगे। नहीं लेकिन क्वेश्चन क्या था उसका आंसर देना हो गया, बोल दिए। नहीं नहीं आंसर देना पड़ेगा, वो ऑन स्क्रीन दिखेगा लोगों को तो मजा आएगा। हाँ उसको रहने दीजिए कि कौन क्या होगा, वो क्वेश्चन बिहाइंड द स्क्रीन वाला पूछ रहे हैं। बाकी तो दोनों लड्डू अगर हाथ में मिल जाए तो दोनों हाथ से खा लेते हैं। बस और क्या। पक्के भोजपुरी हीरो वाली बात की है इन्होंने, पक्का भोजपुरी हीरो वाली बात। बस 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 ये चीज है। बस यामिनी जी आप बताएं, आप कितना जो है आकांक्षा दुबे जी से जेलसी करेंगी, कितना घुल मिल के रहेंगी? अरे मुझे ये पता है जेलसी वाला आज तक फंडा समझ में नहीं आया। वो पता है जलते वो लोग हैं जिनमें खुद में काबिलियत ना हो। Exactly. और वैसे भी एक बात कहूंगी कि जलने वाले हम अपने तरफ से ये करेंगे कि जलने वाले जलते रहे, जलाना हमारा काम है, जला के राख कर देंगे, यामिनी सिंह हमारा नाम है, बस यही काम लेके चलेंगे। बात है, अगर कोई कह दे कि आपको 2 मिनट का भिखारी का रोल करना है, तो मैं कहूंगा ऐसा रोल करना है कि लोग मुझे जो दमदार हो, हाँ जो दमदार से लोग मुझे भिखारी मान लेंगे। किरदार में घुसना है, किरदार को जीना है, किरदार में रहना है, किरदार में मरना है, तो किरदार सबसे बड़ा होता है।
बाकी जलन और ये सब कोई भावना हमारे भोजपुरी। चलिए अब डांस करने जाएंगे। बिल्कुल। न्यू वर्ष आ रहा है उसके बारे में क्या? हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी लोगों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। कोरोना ने, हैप्पी न्यू ईयर, भारत ने कोरोना का बहुत अच्छे तरीके से हराया। आई होप कि नया साल अच्छे, नए सबको एक उम्मीद, अच्छी स्वास्थ्य और सबके लिए लकी साबित हो नया साल। बाकी तो क्या है, भगवान तो सबके साथ है। हाथ मानो तो मैं सब कुछ, ना मानो तो मैं कुछ नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।